हेलो एवरीवन, वेलकम टू शी सैम व्लॉग्स। और क्या आप लोग रेडी हो एक ऑसम रोड ट्रिप के लिए और एक बहुत अच्छे रिजॉर्ट के लिए? तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग आज कहाँ के लिए प्लान कर रहे हैं। वो जगह है येलागिरी। येलागिरी पे एक रिजॉर्ट है, AGS रिजॉर्ट। और जैसा कि आप लोग को पता है, येलागिरी लोग जाते हैं मोस्टली रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ इतना अच्छा वेदर होगा, माउंटेंस होगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं। बट अगर आपको पीस चाहिए अपने हेक्टिक वर्क स्केड्यूल से निकलने के लिए, तो ये लगे बेस्ट ऑप्शन। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। सॉल्यूशन, घूमने जाना है? हाँ। हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। जैसा आप देख सकते हो, सामने एक डस्टर जा रही है, उसमें अभिषेक भैया, दीप भैया, रितु भाभी एंड श्रावणी भाभी, ये चार लोग और हम लोग दो लोग। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था। सो चार हम लोग, एक्चुअली छह लोग जा रहे हैं, तीन कपल्स। तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट पे और सबसे आप लोगों को वहाँ में मिलवाता हूँ। बंद है, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग रुके हैं और वहाँ है हम लोगों का कार। और हम लोग के साथ जो सबसे छोटा मेंबर है दिया, वो अभी उल्टी कर दिया है। तो हम लोग ने सोचा है कि हम लोग दिन यहीं पे थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं और आगे मिल जाएगा खाने के लिए कुछ भी। सो ओके, सो बने रहिए हम लोग के साथ। वहाँ मैं बताओ, घाट से जब आएंगे ना, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो गाइस हम लोग फाइनली ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। क्यों डोसा को हवा दे रहेगा, ठंडा हो गया कि दीप भैया क्लीन करवाते हुए कुछ छूट ना जाए, देख लेना। नहीं, आप भैया पतले हुए थोड़े से, 100% आप लोग ध्यान से देखो। खाना डन है, यहाँ से हम लोग खाना खाए हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है। और यहाँ हम लोग का दिया, तो अभी हम लोग मूव करेंगे येलागिरी के तरफ, अभी कहीं नहीं रुकेंगे। ओके, सो चलिए जल्दी से चलते हैं। चेंज आया है, हम लोग अभी रिजॉर्ट नहीं जाके हम लोग जा रहे हैं पोम्मा किडा वाटरफॉल्स में। सो चलिए वहाँ पे मिलते हैं। खींच लेना चाहिए ऊपर।
स्टीप आएगा तो पता चलेगा लाइक दिस। यस हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इजी लग रहा है यहाँ तो। उसमें क्या क्लच अपने हिसाब से थोड़ा सा सही से छोड़ना पड़ता है ना कि उतना पावर जनरेट हो, बट ये तो मस्त छोड़ रहा है। पैंट तो लिया नहीं। पैंट क्या तुम हाफ पैंट मच चड्डी पहन के घुस जाना। चड्डी पहन घुस जाना। हाँ हाँ बाबा रे वॉशरूम चाहिए। वॉशरूम इधर ही है नेचुरल। माफी बोल रहे अरे हाँ बैठ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैकिंग भी हो ही गया थोड़ा सा। नहीं गाइस हम लोग ट्रैक करते हुए अभी वाटरफॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉट श्योर कुछ है या नहीं। नीतू भाभी को तेलुगु आता है तो नीतू भाभी बात की और उन्होंने बोला कि हाँ है। सो अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। मैं येलागिरी, मेरा ये सेकेंड टाइम मैं आ रही हूँ। पहले भी आई थी, उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की थी। एक मिनट ना सत्यम, वेट फॉर मी। ओके चलिए चलते हैं। हाँ ये कुछ तो मिला, ये श्रीलैक फॉल्स है। क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, छोट अरे वही तो पानी तो गिर रहा है। हाँ इधर से भी गिर रहा होगा। देखो सुंदर है। वाव कितना सुंदर है। वाव इसीलिए लोग नहीं आते। हाँ इधर लोग ने बैठ के तो कितनी शांति, कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं है। वाव इधर ही बैठते हैं, आ जाओ। हेलो
आ जाओ सब लोग। बहुत सुंदर है, सबसे मैंने खाली और कोई नहीं यहाँ पे। यूजुअल लोग पागलों की तरह कोई शर्ट खोला कोई पैंट खोल रखे घूम रहे होते हैं। छोटा वाटरफॉल होने का भी फायदा है। हाँ अभिषेक तुम ज्यादा आ जाओ मैं फोटो लेता हूँ आपकी। 3x में ही सिर्फ लेना, 3x ज़्यादा मैं घुमा दूंगा। गिरोगे। एक बार सब बोल दो माता रानी की जय। चलो भाई अंदर अंदर ना आ जाए, बस चढ़ जाओगे श्री या जरूरत पड़ेगा। श्री प्रो है जंगल रास्तों के लिए। हालत लोगों की। सच में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान अब आ रहे हैं। पहाड़ों को छू के आए हैं पहाड़। अदी भाई आखिरी आदमी। अरे उसको उठा के सांस फूंक दे। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं। वाओ एक फोटो लेना तो बनता है इधर गाड़ी देख के। मैं भी जूम। ये सब रिकॉर्ड हुआ है। देखिए लिखा हुआ ये पूरा व्यू सिंगल लेना था रूम्स तो ये वाला था ब्लू वाला, और अगर अलग अलग लेना है मतलब अलग वाला साथ में तो फिर वो सही था। कहाँ पार्क करना है? इसमें पेड़ के छांव में लगाता हूँ ना। हाँ। तो यहाँ तुम लोग उतर जाओ फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। ये ड्राइंग रूम है।
यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी है और ये हो गया अपना किचन, काफी अच्छा है, स्पेशियस है। और इधर का पता नहीं इधर तो क्या है, ओके बाहर जाने के लिए बाहर भी एक सीट आउट एरिया है। और अभी ये एक बेडरूम है, काफ़ी अच्छा वाला है, टीवी है बेडरूम में, अटैच वॉशरूम, ये है ड्रेसिंग टेबल, एंड देन चली चलते ऊपर। ऐसा बालकनी है कहाँ, कॉर्नर वाला होगा। हाँ हम लोग कॉर्नर है, हम लोग लास्ट है। रूम भी काफी स्पेशियस है। ये है सेकंड बेडरूम और अटैच्ड वॉशरूम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी सुबह के लगभग 9:30 हो रहे हैं और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए पागल हो सकते हैं। एक तो ऑलरेडी इतनी लेट हो चुकी है, पता नहीं बंद भी हो गया होगा। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं और क्या यहाँ पे मिल रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो यार कितना खूबसूरत है।